वॉचिंग इन कराची अली खान यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक करता हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आज एक और नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ शरफाबाद के ऊपर। और शरफाबाद पर एक भाई के दाल चावल का ठिया है जो कि काफ़ी फेमस है। तो मैंने काफ़ी दिन से सोचा था कि मैं जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो ये भी शेयर करूँगा। और इस ठिए की जो मेन जो ख़ास बात है वो है मंडुक। मैं आपको मंडुक से भी यहाँ पे मिलाऊंगा। मंडुक जो है वो इस ठिए की जान है, और जो है वो इस ठिए को यहाँ पे देखता है, टेक ओवर करता है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो इस ठिए की जो है वो ख़ास खसूसियत मैं आपको बताऊंगा। इस ठिए की खसूसियत ये है कि यहाँ पर दाल चावल जो है वो काफ़ी मशहूर है, और दाल चावल के साथ बिरयानी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मेन जो है वो यहाँ की बेसिक जो है वो दाल चावल काफ़ी फेमस है यहाँ का। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये दाल चावल शेयर करूँ। जो है वो मजीद वीडियो को लंबी ना किए हुए मैं आपको चलता हूँ इनके दाल चावल की तरफ लेकर, और आपको दिखाता हूँ, इनके ओनर से भी मिलाता हूँ और मंडुक से भी मिलाता हूँ, और दाल चावल भी टेस्ट करेंगे, और फिर मैं जो आपको बताऊँगा कमेंट्स में कि दाल चावल किस तरह के हैं और क्या उनका टेस्ट है। तो वीडियो में बने रहिए, और जो है वो नए अगर चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है वो बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलिए चलते हैं दाल चावल की तरफ, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के दाल चावल यहाँ पर। Thank you.
दाल चावल की प्लेट आ चुकी है और मंडू भाई ने जो है वो मुझे ये 30 रुपीज़ की दाल चावल की प्लेट बना के दी है। आप देख सकते हैं कि 30 रुपीज़ में आप पेट भरकर खाना यहाँ पर आराम से खा सकते हैं। तो मेरा मशवरा है कि अगर दाल चावल खाने हैं तो एक बार ज़रूर इस शरफाबाद चौक के ऊपर आएँ। और ये भाई का नाम क्या बताया अरफान भाई? जमाल भाई दाल चावल के नाम से ये जो है वो ठिया मशहूर है, लेकिन इस ठिए की जान जो है वो मेरा मंडू है। तो इस ठिए का मैं थंबनेल लगाऊंगा मंडू के दाल चावल। तो अब इस दाल चावल का टेस्ट चेक करते हैं और आपको मैं बताता हूँ, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, चखा नहीं है, मैं देखता हूँ। VIP टेस्ट है दोस्तों, और जैसा जो है वो मेमनी दाल चावल होते हैं उसी तरह का टेस्ट है। आप एक बार आएँ यहाँ पर, चेक करें दाल चावल, और इंशाल्लाह ताला फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं जो है वो जब तक दाल चावल खाता हूँ, और आप लोग भी जो जहाँ जहाँ मौजूद हैं अपने अपने डिनर और लंच करें, तो इंशाल्लाह फिर वो बात करता हूँ आपसे। आप देख सकते हैं काफ़ी दिन बाद आप कैमरे पे मंडूक को देख रहे हैं। अच्छा मंडूक, वो आपका एक स्टाइल जो है वो लोगों को बड़ा पसंद आया, तो बोला यार मंडूक भाई नज़र नहीं आ रहे, मिल नहीं रहे। मिलेंगे अभी थोड़ा सा, ये कि मैं दाल चावल बिरयानी सीख रहा हूँ भाई। अच्छा ये बताओ आप सुबह कितने बजे आते हो यहाँ पे? भाई हम सुबह 10 बजे आप पहुँच जाते हैं, 10 में 5 कम पे 9:30 बजे हम पहुँच जाते हैं यहाँ। और सुबह दाल चावल की तैयारी कितने बजे करते हो? 10 बजे आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, दाल चावल भी मिल जाएगी, बिरयानी बोतल वगैरह, लस्सी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा ये भाई जो है जमाल भाई आपके पार्टनर है या बॉस है, क्या है? मैं जमाल भाई फिलहाल काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत। जमाल भाई आपके पास काम कर रहे हैं या आप जमाल भाई के पास? जमाल भाई के पास काम कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, जमाल भाई मुझे बहुत अच्छा गाइड कर रहे और काम सिखा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, इंशाल्लाह आगे और अच्छे की उम्मीद है, एक से दो हो सकते हैं ठीक है, बाकी अल्लाह मालिक आप दुआ करें गाइस ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप जी, और मेरे वीडियो वगैरह सब बनेंगे, देखते रहना आप लोग। और वो आपका स्टाइल जो है वो तो कर दो, वो लोग पूछ रहे हैं स्टाइल जो है वो चलता रहेगा, मगर ये जो मेन स्टाइल है वो जमाल भाई का स्टाइल है। जैसे कि जमाल भाई मुझे करने का मौका नहीं दे रहे, ये चीज वो मौका मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा हम आपको स्टाइल बताते जाएंगे, नई नई वीडियो बताते जाएंगे। जब तक हमारे दाल चावल और हमारे उसको बिरयानी को लाइक करें, और बिलखसूस हम दोनों को लाइक करें, ये जमाल बंगाली। अच्छा जमाल बंगाली भाई, जमाल बंगाली बाबू है ये जी, ये जमाल बंगाली बाबू के पास एक मेमन निकलने वाला है जो आप दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है, थोड़ा टाइम है बस। ठीक है इरफान भाई, आप काम में लगे रहे, इंशाल्लाह काम हो गया, टाइम के बाद देखेंगे आ होने वाला है। जबरदस्त। तो दोस्तों ये थे मंडूक भाई, और आप आज काफ़ी दिन बाद जो है वो इनसे आपको मुझे मैंने मिलवाया, तो अब इंशाल्लाह वीडियो को एंड करते हैं, और जो है वो आपसे चाहूँगा इजाज़त। फिर आज शाम को जो इंशाल्लाह मंडी का सीन है वहाँ जाके व्लॉग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।